आजकल मैं आपका सब्जेक्ट हूं ये बोलेगा ना तू मतलब अगर मैं गुजराती कर मैं कह तो रहा बेटा लेकिन मैं बता रहा हूं पहली बार कास्टिंग करते हैं ना हमको दुनिया क्रिएट करनी होती है। इस व्लॉग में लखन भैया के लिए बनाने वाला हूँ। लखन भैया एक ही बात बोलते हैं, उनके रूल मैं फॉलो कर रहा हूँ, तो देखना ना भूलें। बाय बाय। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं है, लेकिन मुझे मूवी डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा उनसे मिलने जाना है दिल्ली। वो आ रहे हैं, हमारा टिकट है, तो हम सब उससे मिलेंगे क्योंकि हम एक्टिंग लाइन में भी हैं। मैं मॉडलिंग भी कर रहा हूँ और मैं सोच रहा हूँ फिल्म इंडस्ट्री में भी अपना योगदान दे के देखें। अगर लक होगा तो हम आ जाएंगे, नहीं होगा तो कोई बात नहीं है। तो मुकेश छाबड़ा जी से मिलने जा रहा हूँ। उनकी बहुत सारी मूवी हैं, हिट पे हिट मूवी वो देते हैं, डायरेक्टर हैं बहुत बड़े मुकेश छाबड़ा, तो उनको आप सब भी जानते होंगे, बहुत सारे लोग जानते हैं। तो मैं वहीं जा रहा हूँ। बस मैं सुबह उठ गया था 5 बजे, मैंने भगवान जी को नहलाया, खुद नहाया, फिर उसके बाद सॉरी मैंने खुद ने नहीं नहाया क्योंकि तबीयत खराब है, थोड़ा फीवर लग रहा है, बस काम करा क्योंकि मम्मी नहीं आना यहाँ पे। अब मैं निकल रहा हूँ क्योंकि मैंने ब्लॉग भी एडिट नहीं करा, शायद कल ब्लॉग आ भी ना पाए। तो गाइस मैं निकला सीधा मुकेश छाबड़ा सर जी से मिलने और सीधा पहुंच गए हम गाजियाबाद से दिल्ली। तो गाइस मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो रही थी कि मैं इतने बड़े कास्टिंग डायरेक्टर से पहली बार मिलूंगा, तो नर्वसनेस तो होगी, ऑफ कोर्स होगी, बट लेकिन उनसे बात करने में ऐसा कुछ भी नहीं लगा। इसमें सुंदर नर्सरी पहुंच चुका हूं, ये देख सकते हो आप मेरे पीछे दिल्ली की सुंदर नर्सरी, और यहां पर हम आज मुकेश छाबड़ा जी से मिलेंगे। कौन कौन आ रहा मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, देखो ये सब आ रहे हैं, इन सब से मिलना है आज हमें। मेरा ड्रीम था बस मुकेश छाबड़ा जी से मिलना, लेकिन लकीली मैं इन सब से मिल पाऊँगा। गाइज मुझे दिल्ली में एक बात बहुत अच्छी लगी, ये जो सारे स्ट्रीट डॉग हैं इनके लिए एक स्पेशली रोज डेली एक गाड़ी आती है, उसमें चिकन राइस आते हैं इनके लिए। जितने भी यहाँ के स्ट्रीट डॉग हैं, यही नहीं ये जगह जगह पर जाकर इनको फीड कराते हैं। एक मैम है जो लाजपत नगर में रहती हैं, मैं उनको बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ उनके लिए कि ये कम से कम भैया ने बताया मुझे 1000 कुत्तों को रोज़ खाना दिलाती हैं, मतलब अपने वर्करों के थ्रू, और ये जगह जगह जाकर इनको ऐसे खिलाते, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा और सैल्यूट है उन मैम को जो इतना करती हैं। तो फिर गाइस हम गए सुंदर नर्सरी के अंदर और ये है हमारे बैनर लगे हुए हैं जो हमारा आज का शो था, और ये सुंदर नर्सरी इतनी प्यारी थी अंदर से, इतनी प्यारी मैं आपको बता नहीं सकता। अगर आप दिल्ली जाओ तो सुंदर नर्सरी घूमना, बहुत सुंदर है अंदर से, बहुत ज़्यादा। थोड़ा थोड़ा ताजमहल जैसे, ताजमहल के सामने है वो, वैसा नहीं है फील आ रहा है थोड़ा थोड़ा ना। यहाँ पर वाटरफॉल है, ये देख पीछे है ना यहाँ, ये यहाँ पर ये हो गया, और जस्ट इसके पीछे ये हुमायूं टाउन हाँ जो भी है, इट इज़ नॉट सेफ टू एंटर और टच द वाटर। सुंदर नर्सरी है ये, इतनी प्यारी है, बहुत सुंदर है वाकई में। गाइस सुंदर नर्सरी वाकई में बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, मेरे पीछे आप देख सकते हो। यहाँ पर अभी हमारा इवेंट स्टार्ट होने वाला है तो मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ। तो गाइस ये देखो, ये इसका मैं इतिहास बताऊँगा क्या है, ये देखो बिल्कुल ताजमहल की तरह बनाया हुआ है, आप देख सकते हो इसको। और अभी मैं उधर जा रहा हूँ, उधर देखो वाटरफॉल, तालाब, बहुत प्यारे प्यारे, बहुत सुंदर जगह है, दिखाता हूँ। और इसके बारे में मैं यहाँ पर पढ़ के भी दिखाता हूँ, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, ये देखो वहाँ पर भी है, ये देखो यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेकर आप पढ़ सकते हो। सेलेस यहाँ पर लिखा है इसके बारे में कुछ। एक इवेंट की तैयारी हो रही है गाइस, ये देखो बैठने का सिटिंग एरिया यहाँ पर, वो सब हाँ आपने दिखाएंगे। गाइस मेरी समझ से तो ये बाहर है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कौन सा कमरा है, कौन सा क्या है, भूल भुलैया लग रहा है ज़्यादा, तो मैं हंसी नहीं उड़ा रहा, मुझे ऐसा लग रहा है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ, एक्सप्लोर करते चलो। ये देखो गाइस ये रूम है, ये रूम कैसे हुआ, इसमें बेड वेड आएगा क्या, यहाँ से यहाँ निकल गए क्या लग रहा है ये, व्हाट डू यू थिंक ब्रो। हाँ ये ठंडा कितना है ना अंदर से, यार हम यहाँ से गए थे, हम तो यहीं पे आ गए। चलो आओ बाहर आओ, हम चलते हैं बाहर, मुझे समझ में नहीं आ रहा ये क्या है।
गाइस अब हम जा रहे हैं इसके अंदर। क्या मतलब भाई यार उधर का दिख रहा है यार, ये देखो आप इधर से उधर दिख रहा है आर पार। वाह नाइस यार, मतलब देख रहे हो क्या। चलो अब इसके अंदर का टूर करते हैं। ये भी बहुत प्यारा बना हुआ है। ये क्या है, ये वैसे ही है ना सेम यार। इसके अंदर से देख वहां दिख रहा है सामने बिल्कुल। वाह एक सेकंड, मुझे तो दिख ही नहीं रहा है, कैमरा जूम नहीं कर पा रहा है मेरा, मेरा कैमरा ही जूम नहीं कर पा रहा है। ये तो मुझे उस वाले रूम के ही तरह लग रहा है कुछ कुछ। इसके आर्ट देखो आप मेरे ऊपर देख सकते हो, कितना प्यारा है ना, बहुत सुंदर। ओह गाइस अब हम इसको एक्सप्लोर कर ही रहे हैं। इसकी जो कला है बहुत अच्छी लगी मुझे। ये देख रहे हो हाथ का काम जो है इसमें, ये सब हाथ का काम है, कोई पेंटिंग डेंटिंग नहीं है, कोई कलर होता है यार। वो यहाँ से दिख रहा था ना, अब देख अब उधर दिख रहा है इसमें वो देख। चलो आओ अब इधर आओ। बट ये स्मोक टावर और ये चल रहा है, यहाँ पर पोल्यूशन इसीलिए कम है, इसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ भी है, सुंदर। तो गाइज इतना घूमने के बाद मुझे लगी भूख और मैंने लिया बिस्किट। सीधा चले हम कास्टिंग डायरेक्टर सर के पास, मुकेश छाबरा जी वहाँ पर आ चुके थे। अब यहाँ पर होती है हमारी बातें शुरू। दिमाग में कुछ एक गलत मोबाइल थे जब उनसे इन पर्सन मिलोगे ना, वो इतने ही परेशान है। मैं जितने भी कॉन्टेंट करते इन्फ्लुएंसर से भी मिला हूँ, सभी यही परेशान है। उसमें से एक को मिल गया पर 1,000 1,00,000 तो होंगे अभी कॉन्टेंट करे थे। एक को गोवन बाम है, एक आशीष चितलानी है, प्रोजेक्टा कोहली है, विराज गलानी है, खुशाल पवार है जो एक्टिंग में थोड़ा थोड़ा काम, और किसने किया, करी मराठी ने कहा एक्टिंग की, उसको मिला है वो क्या है, वो अगर वो एक्टिंग है मनोज वाजपेयी कैरी मराठी को ना 13 साल से वीडियो बना रहे हैं, अब जाके पॉपुलर हुआ है। तूने कितने दिन से बना रहे, तो वेरी गुड। तो सर एक्टर को इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए क्या, जैसे हम एक्टर ही बनना चाहते हैं, हम रील मिल से मतलब अपने आप को फेमस नहीं करना चाहते, मतलब हमें फिल्म ही चाहिए, तो क्या इन छोटी छोटी चीज़ों से दूर रहना चाहिए क्या। हाँ बेटा दूर रहना चाहिए, लेकिन अगर आपको रील ही बनानी है तो फिर एक नाटक कर लो ना, प्ले को प्रमोट करो ताकि लोग प्ले देखने आए आपका। पंकज त्रिपाठी रील बना गया है, मनोज वाजपेयी बना रहा था बिहार में बैठ के। अच्छा बुरा नहीं होता, सवाल सवाल बहुत लोगों को जूनियर आर्टिस्ट का काम मिल जाता है। लाइक मैंने 3-4 मूवीज में एक अच्छा, अभी जुग जुग जियो में मेरा प्रोमिनेंट रोल है, लास्ट सीन में मैं दिखता हूँ, मेरे को डायलॉग्स भी है। तो एज अ जूनियर आर्टिस्ट हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बेटा आपकी चॉइस है। ऐसे बोलते हैं कि नहीं करना चाहिए, कौन बोलता है, वो 4 लोग जब तुम मुझे सवाल का जवाब मिलेगा वो कौन 4 लोग हैं मैं ठीक हो जाऊँगा, क्योंकि वो कोई है ही नहीं। घूम गोलगप्पे खा, घटिया से गोलगप्पे खा, यहाँ वैसे तो होंगे नहीं, आ जाओ आप। जो बीच भी गंदा हो रहा था पूरा, सफाई कराऊं कि मैं। सर एक मेरा सवाल है, मैं जलंधर पंजाब से हूँ एंड मैं भी वहीं का हूँ, मैं गया था आपके घर पर। मैं एक बता रहा हूँ सर कि मैं पहले पंजाबी थिएटर करता था केवल धालीवाल के पास, तो उनके अब मैं श्री राम सेंटर आया हुआ था, तो यहाँ पे मुझे मालूम चला कि कहीं ना कहीं आप जैसे कैमरा बेटा यही लगा देना बोलेगा ना तू। मतलब अगर मैं गुजराती करूं, मैं कह तो रहा बेटा, लेकिन मैं बता रहा हूँ, पहली बार कास्टिंग करते हैं ना तो हमको दुनिया क्रिएट करनी होती है, तो पहले जो करेक्ट लैंग्वेज है उसको कास्ट करेंगे, उसके बाद वो शो आदमी हिट हो गया उसको हम कुछ भी बना सकते हैं, ये दुनिया का दस्तूर है। अब नवाजुद्दीन सिद्दीकी को अंबानी भी बना सकते हैं, उन्होंने भी किया सर, वो मंटो भी किया उन्होंने, पहले शुरू में उसको वासीपुर में ही कास्ट किया था ना। एक्चुअल में वो क्या मतलब किस तरीके से आप उसको अलग दो लाइन में ना, क्योंकि हमारे लाइफ में क्या हो गया, हम दिन में 3-4 हज़ार ऑडिशन तो देखता हूँ ना, अगर आप मुझे 2 सेकंड के लिए भी होल्ड करा सकते हो तो मैं कैसे जज करूँ आपकी परफॉर्मेंस के पूरी पिक्चर कर लो। जब हम किसी के लाइफ में किसी लोगों से मिलते हो हम 2 मिनट बोले तो चलाक लग रहे हैं, कैसे बोल देते हैं आपको, कुछ वाइब आती है, कुछ एनर्जी आती है, हमको भी वो आते हैं। आप किसी लड़के से मिलते हो हाथ मिलाने में जाते हैं बहुत तेज है, उससे बात मत करो, हम भी कहते हैं कि लाइनें जब 2 लाइनें ठीक से नहीं बोल पा रहे तो पूरी पिक्चर में ढोल कैसे करेगा। सामने मनोज वाजपेयी खड़ा हुआ क्या उसके सामने परफॉर्म कर पाएगा, या राजकुमार खड़ा हुआ जो एक ही खड़ा हुआ,
हमको भी तो समझ में आया था ना हमारा एक्सपीरियंस, इसलिए तो शायद हमको लोग काम देते हैं, वही तो सही देखने वाला काम है हमारा। फरवरी में खुलेगा ना, बोला ना। तो यहाँ पर गाइस मुझे इतना अच्छा लगा, वो बहुत अच्छे से मिल रहे थे सबसे, मेरे से नहीं सबसे, बहुत अच्छा लगा मुझे मिलके, बहुत खुशी हुई बहुत ज़्यादा, और मैं बहुत एक्साइटमेंट था, वो हर बार मेरे कैमरे में देख रहे थे और सबसे प्यारी प्यारी बातें करी, बहुत अच्छा लगा। वर्कशॉप के लिए और गाइज यहाँ से ख़त्म होने के बाद यहाँ पर था हमारे शाम के 8 बजे से स्टार्ट, तो मुझे तो हो रहा था बहुत ज़्यादा लेट मैन का, जिससे मुझे मिलना था जो मेरा ड्रीम था, मैं मुकेश छाबरा सर से मिल लिया, और मेरा सिंगर विंगर से किसी से ड्रीम नहीं है मिलने का, बस कास्टिंग डायरेक्टर से था, और मैं करण जौहर से भी कभी मिलूंगा तो मुझे अभी साझा करूंगा वो बातें भी, क्योंकि मुझे उनसे भी मिलना है, क्योंकि यार ये इंस्पिरेशन है लोगों के लिए, काम मिलता है यहाँ से, और मुझे बहुत अच्छा लगा ये सब देख कर। और फिर गाइज मैं तो घूमते घूमते निकल गया सीधा अपने घर, क्योंकि मुझे जाना था, बहुत रात हो जाती यार, 8 बजे स्टार्ट होगा और फिर कब मैं अपने घर जाऊंगा, और मम्मी भी नहीं है, फिर खाना बनाना, तो मेरे को बहुत लेट हो रहा था। फिर मैं निकल गया सीधा अपने घर, और ये देखो दिल्ली के जो पुल हैं कितने प्यारे लगते हैं, पिलर इन पर देखो मंडोला आर्ट बनाई हुई है, बहुत अच्छा लगा ये देख कर। तो गाइस कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबरा, आई एम सो हैप्पी कि मैं उनसे मिला हूँ, मुझे बहुत एक्साइटमेंट है और बहुत अच्छा लग रहा है मिलके, कि कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबरा जी से मैं जितनी बार नाम लूँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं फर्स्ट टाइम किसी इतने बड़े बिगेस्ट बहुत बड़े, मतलब जितना उनके लिए बोलूँ वो मेरे लिए बहुत कम है, मुझे बहुत खुशी हो रही है, और ऐसे ही मैं अपने काम में लगा रहूँगा, और क्या मैं कर रहा हूँ वो आपको कभी ना कभी तो दिखेगा, लेकिन अपने काम में कभी हार मत मानो। मैं तो बस यही बोलूँगा कि जैसे मैं लगा हुआ हूँ, मैं नेगेटिव कमेंट्स को, जो मेरे लिए नेगेटिव कमेंट्स आते हैं कि तुम्हारे ब्लॉग नहीं चल रहे, ये नहीं चल रहा, बिल्कुल भी मत चलो, लेकिन मैं डेली ब्लॉग अपलोड करता हूँ। मैं तो कह रहा हूँ चाहे 2 व्यू आए या लाखों व्यू आए, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, जो मेरा काम है वो मैं डेफिनेटली करूँगा और करता रहूँगा, मैं कभी हार नहीं मानूंगा। हाँ, जब तक सांस है तब तक मैं ये काम कर रहा हूँ, जिस दिन ये सांसें भी रुक जाएंगी उस दिन ये काम भी रुक जाएगा। तो गाइस मुकेश सर के लिए मैं तो दिल से सैल्यूट करता हूँ उनको, क्योंकि वो बहुत हार्ड वर्किंग हैं, बहुत हार्ड वर्क करते हैं, इतने सारे लोगों को मैनेज करते हैं अकेले, ना ही उन्हें कोई सिक्योरिटी की ज़रूरत है, ना ही उन्हें अनकंफर्टेबल लगता है लोगों के बीच आकर, क्योंकि वो दिल्ली से ही है, मैंने ऐसा सुना है, हाँ दिल्ली से ही शायद, और वो छोले भटूरे राजमा चावल ये सब खाना भी बहुत पसंद करते हैं, कोई डाइट वगैरह कुछ भी नहीं, जैसे हम हैं वैसे ही वो हैं, बहुत अच्छा बिहेव करते हैं सबके साथ में, बहुत फनी रिएक्ट करते हैं, और मैं जैसे फर्स्ट टाइम मिला काफ़ी सारी बातें करी, लेकिन हमें ऐसा कभी मतलब मेरे को ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि मैं कैसे इतने बड़े मतलब कास्टिंग डायरेक्टर से बात कर रहा हूँ, वो मेरे सामने हैं और वो हंसे जा रहे हैं, मतलब जो हम बात पूछ रहे हैं कुछ भी रिएक्ट कर रहे हैं उन बातों को वो हंसी में पता नहीं क्या बोल देते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे उनके लिए बहुत ही खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। और गाइस मुकेश सर का ऑफिस ओपन हो रहा है 14 फेब को दिल्ली में ओपन होने जा रहा है, 14 फेब को दिल्ली में ओपन होने जा रहा है, किसी को भी ऑडिशन देना है वहाँ पर आप जाकर दे सकते हो, लेकिन प्रिपरेशन अच्छी हो और आपको लगन हो कि हाँ हमें ये काम करना है। देखो मुझे तो इस काम में जाना है तो मैं तो पूरी मेहनत करता हूँ, और 14 फेब को मैं भी जाऊँगा वहाँ पर, मुझे क्योंकि स्पेशली सर ने बुलाया है, और आगे देखते हैं क्या होता है, मैं भी अपना ऑडिशन दूंगा। थैंक यू सो मच गाइस, प्यार बनाए रखे ऐसे ही, मैं बहुत आगे जाऊंगा, आप सबका आशीर्वाद मेरे साथ है। मैं तो बोल रहा हूँ गाइस कर लो, आप जितने भी नेगेटिव कमेंट्स करने हैं, जितना भी मेरे बारे में बोलना है उल्टा सीधा आप बोलो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अब इस टाइम मेरी मम्मी ने बोला है तू चिकना घड़ा बन जा, कि चिकने घड़े के ऊपर पानी डलता है और वो फिसल जाता है, तो मैं ऐसे ही उन लोगों को इग्नोर करना सीख रहा हूँ। हालांकि मैं कभी कभी रिएक्ट कर देता हूँ, मम्मी ने बोला वो रिएक्ट भी तेरा गलत है। तो नेक्स्ट व्लॉग मैं लखन भैया के लिए बनाने वाला हूँ, लखन भैया एक ही बात बोलते हैं, उनके रूल मैं फॉलो कर रहा हूँ, तो देखना ना भूलें। बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।